हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रानी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप सेम तरीके से सारा स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका चाउमीन बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बॉयल करेंगे। इसके लिए गैस पर चढ़ाएंगे एक पतीला और पतीले में डालेंगे पानी। पानी को अच्छे से उबलने देंगे। पानी में डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक। ध्यान रहे नूडल्स उबालते टाइम पानी में तेल जरूर डालें, इससे नूडल्स खिले खिले बनते हैं। ये हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम उबलते पानी में डाल देंगे 1 पैकेट नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद हम इसे एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। नूडल्स को हमें 80% तक ही उबालना है। ध्यान रहे नूडल्स को बीच बीच में चेक करते रहें ताकि नूडल्स ओवर कुक ना हो। अगर ये ओवर कुक हो जाएंगे तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ये हमारा नूडल्स 80% तक कुक हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। नूडल्स को छानने के बाद ऊपर से बिल्कुल ठंडा पानी से इसे अच्छे से वॉश कर देंगे। ठंडे पानी से धोने के बाद इसे प्लेट में फैला देंगे। नूडल्स के ऊपर से फिर 1 चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नूडल्स को उबाल के थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे कभी भी आप नूडल्स बनाएं तो कम से कम उसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। नूडल्स को मैंने आधे घंटे पहले उबाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ये हमारे नूडल्स को ठंडा होते आधे घंटे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नूडल्स को बनाने। नूडल्स बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ाया एक लोहे की कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गरम होते ही तेल में डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज लंबे स्लाइस में कटा हुआ, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। इन सारी सब्जियों को हम हल्का सा सौटे करेंगे। सब्जी को हमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सौटे करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। कभी भी नूडल्स बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज करें। लोहे की कढ़ाई में नूडल्स अच्छे बनते हैं। ध्यान रहे सब्जी को हमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही पकाना है ताकि सब्जी में क्रंच बना रहे। नूडल्स में सब्जियां क्रंची ही अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर बाद हम इसमें डाल देंगे उबले हुए नूडल्स, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजीनोमोटो। अजीनोमोटो यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए 1/2 मिनट तक और पका लेंगे। ये हमारे नूडल्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक बार इस तरीके से आप अपने घर में बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।